क्या हुआ जब खतरनाक एक्सीडेंट से अपने भक्त भक्त को बचाने स्वयं शिरडी के साईनाथ दौड़े चले आए? फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। जय जय साई राम। जय साई राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको साईं बाबा के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और जिसे देखकर आपका भी रोम रोम साईनाथ का नाम लेने लगेगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य के बरपाली जिले के रहने वाले आसिफ जी की। इन्होंने ये सच्ची घटना हमारे साथ साझा की है और उन्होंने बताया कि कैसे खतरनाक एक्सीडेंट से साईं बाबा ने उनके प्राणों की रक्षा की। यदि सही समय पर साईनाथ महाराज का चमत्कार नहीं होता तो शायद ही आज वो जिंदा होते। इसीलिए तो कहते हैं, कौन छुएगा उसकी परछाई, कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं, शिरडी का साईं। दोस्तों, साई सच्चरित में बाबा ने कहा है, जो बाबा की पूजा करता है, आराधना करता है, उसे काल क्या मृत्यु का देवता भी नहीं स्वयं छू सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कैसे खतरनाक एक्सीडेंट से बाबा ने बचाई अपने भक्त आशीष की जान। तो आशीष जी हमें बताते हैं कि उनके गांव के बाहर साईं बाबा का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जहां गांव के लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं और गुरुवार को भंडारा भी वहां होता है और बाबा का प्रसाद लेने सभी जाते हैं। आशीष जी हमें बताते हैं कि वो प्रतिदिन साईं बाबा के दर्शन करने के बाद ही अपने दिन का, अपने जीवन का कोई भी कार्य शुरू करते हैं और रोज की तरह उस दिन भी आशीष जी साईं बाबा का दर्शन और पूजा करके अपने बाइक से गांव अपनी माता जी की दवाई लेने जा रहे थे। गांव की कच्ची रोड को क्रॉस करके जब वे कुछ दूर पे स्थित हाईवे रोड में ही आए थे कि सामने से आ रही एक ट्रक का टायर अचानक से फट गया। आशीष जी हमें बताते हैं कि ये सब नज़ारा देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। इतने में वो ट्रक एकदम से उनके तरफ आने लगा। अनियंत्रित ट्रक को अपनी तरफ आते देख आशीष जी का दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। बताते हैं कि उन्होंने मौत को बहुत ही सामने से देखा कि पैरों तले पूरी जमीन खिसक गई, आंखें बंद हो गई। आशीष जी के धड़कते दिल से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कुछ ही देर के बाद आशीष जी को एक आवाज सुनाई देती है और लगता है कि ट्रक किसी चीज से टकरा गया हो। तभी आशीष ने जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक साधु बाबा खड़े हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें और माथे में पट्टा बंधा हुआ था और हाथ में झोली व चिमटा था। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। ट्रक उनके बगल वाले पेड़ से जाके टकरा गई। आशीष जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनके सामने हुआ। वे खड़े होकर सोचने लगे कि मेरी तरफ आता हुआ ट्रक आखिर उस पेड़ से जाके कैसे टकरा गया। तभी उन्होंने अपने पास खड़े बाबा से पूछना चाहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, पर वे बाबा वहां नहीं थे। पर वहां खड़े अन्य लोगों ने मुझे बताया कि आज तुम्हें भगवान साईनाथ ने बचाया है, अन्यथा तुम्हारा बचना तो मुश्किल था। आशीष ने भक्तों की और लोगों की बात सुनकर उनके मन में सिर्फ यही ख्याल आया कि ये साधु और कोई नहीं, स्वयं मेरे साईनाथ महाराज हैं जिन्होंने आज मुझे बचा लिया, क्योंकि उस समय मेरे मुख से केवल ओम साई राम का ही नाम निकल रहा था। भक्तों, इसीलिए तो कहते हैं भक्ति में बहुत ही बड़ी शक्ति होती है, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। जो भक्त
सच्चे मन से साईं बाबा को याद करता है। साईं बाबा किसी ना किसी रूप में आकर उस भक्त की मदद करते हैं। भक्तों आपको क्या लगता है, आशीष की जान बचाने वाले बाबा आखिर कौन थे? क्या वे स्वयं साईनाथ के साक्षात स्वरूप थे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी साईनाथ की ऐसी कोई सच्ची घटना है तो आप हमारे साथ इसे साझा जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम अपने चैनल के माध्यम से आपके जीवन में हुए चमत्कार की सच्ची घटना लोगों तक पहुंचा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम साईं राम जरूर बोलें। जय साईं राम। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम।